हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम पुरस्कार यानी कि अवार्ड संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कवर किया सभी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण हैं। पुरस्कार से आपके एग्जाम में अक्सर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी अवार्ड्स जो कि संगीत के क्षेत्र में दुनिया में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं, इनका संबंध यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। इस साल जो ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं ये 64वें नंबर के हैं और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1959 में। इस साल जो ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं इसमें एल्बम ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के संगीतकार जैन बैटिस्ट के एल्बम वी आर को। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है संगीतकार जैन बैटिस्ट के एल्बम वी आर को। ग्रैमी अवार्ड जिनका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। इसी प्रकार से बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर वर्ल्ड वाइड का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा एम आर राधुकानु को, जो कि इंग्लैंड की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में फर्स्ट प्राइज यानी कि प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और हाल ही में दोबारा से फिर से उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ऑस्कर पुरस्कार जो कि फिल्म के क्षेत्र में दुनिया में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। इस साल ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है फिल्म कोडा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो ऑस्कर पुरस्कार हैं इन्हें एकेडमी पुरस्कार यानी कि एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और 2022 के जो एकेडमी पुरस्कार हैं ये 94th नंबर के हैं। अब आपको ऑस्कर पुरस्कार 2022 यानी कि एकेडमी पुरस्कार 2022 से चार क्वेश्चन याद रखने हैं। ये चार क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को इनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है जेसिका जेस्टेन को इनकी फिल्म द आइज ऑफ तमय फाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है जेन कैंपियन को इनकी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कोडा फिल्म को, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ड्राइव माई कार। तो चार क्वेश्चन आपको ऑस्कर पुरस्कार 2022 से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए दिया गया है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, यानी कि कोविड 19 के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत के किस हवाई अड्डे ने किया है? तो इसके लिए पुरस्कार दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि कोची केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार जो कि गणित में दिया जाता है और इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा एबल प्राइज को, एबल पुरस्कार को, जो कि इस साल दिया गया है गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलवियन को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलवियन को, इन्हीं को दिया गया है एबल प्राइज 2022। एबल प्राइज जो कि नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है
किसी भी व्यक्ति को जो कि गणित में एक आउटस्टैंडिंग काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिटेक्सर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो प्रिटेक्सर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इस साल दिया गया है फ्रांसिस केरे को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं फ्रांसिस केरे, जो कि एक आर्किटेक्ट, शिक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कहाँ से? ये हैं बुर्किन फासो देश से। बुर्किन फासो देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के पाने वाले साथ ही साथ अश्वेत पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें वास्तुकार के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रिटेक्सर आर्किटेक्चर पुरस्कार से नवाजा गया है। जो प्रिटेक्सर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, इसे वास्तुकला क्षेत्र यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। भारत में अभी एक ही व्यक्ति को प्रिटेक्सर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। अगला क्वेश्चन है, 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भाला फेंक नीरज चोपड़ा को, ओलंपियन नीरज चोपड़ा को दिया गया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा जो जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक कैटेगरी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, और इन्हीं पुरस्कारों में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू ने, चानू को। इन्हीं पुरस्कारों में अन्य तीन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। लवलीन बोरबहन को दिया गया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, अवनी लेखरा को दिया गया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार, आरिफ खान को दिया गया है विशेष पहचान पुरस्कार। आरिफ खान वो खिलाड़ी हैं जो कि टोक्यो बीजिंग ओलंपिक में जाने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो मालदीव देश में जो स्पोर्ट्स आइकन के नाम से पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना को ये पुरस्कार दिया गया है। मालदीव देश जो कि हिंद महासागर में स्थित भारत का एक पड़ोसी देश है, मालदीव देश की राजधानी है माले, यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया, और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। और मालदीव जो देश है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है करोलिना बिलावांस्का ने। करोलिना बिलावांस्का जो कि पोलैंड देश की एक महिला हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं करोलिना बिलावांस्का जो कि पोलैंड देश की हैं। इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो उत्तर होगा हरनाज संधु ने। हरनाज संधु जो कि भारत के चंडीगढ़ राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीडी बिरला पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। प्रोफेसर नारायण प्रधान जो कि भौतिक विज्ञान क्षेत्र के एक प्रोफेसर हैं, इन्हीं को जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जो जीडी बिरला पुरस्कार है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। जो के बिरला फाउंडेशन है, इसके द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, शंकर पुरस्कार, वाचस्पत पुरस्कार, घनश्याम दास यानी कि जीडी बिरला पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार जो कि हाल ही में प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। इसी प्रकार से हाल ही में 2022 का जो सरस्वती सम्मान है, ये दिया गया है राम दशरथ मिश्र को, इनकी पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस भारतीय बैंक को दिया गया है? तो एशियाई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत की एक प्राइवेट बैंक जिसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। पहली सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है HDFC, दूसरी है ICIC और तीसरी है एक्सिस। एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जिसे हम BAFTA पुरस्कार के नाम से जानते हैं, BAFTA पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो BAFTA पुरस्कार जो कि
इंग्लैंड यानी कि यूके में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं। इस साल इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ डॉग फिल्म को। जो बाफ्टा पुरस्कार 2022 है ये इनका 75वां संस्करण था। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। यहाँ से भी आपको चार पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है जोआना स्कैनलान को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है जेन कैंपियन को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ डॉग को। तो बाफ्टा पुरस्कार जो कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में दिए जाने वाले फिल्म के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, इस साल ये चार पुरस्कार याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2022 में के अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार यानी कि यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इन्हीं को यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बोल्ट्जमान पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं प्रोफेसर दीपक धर यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो बोल्ट्जमान पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि इस साल भारत में पहली बार किसी व्यक्ति को मिला है दीपक धर को, जो कि भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्न पीएसयू कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल, वर्तमान में इसके सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह फिल्म को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेर शाह फिल्म को। इसी प्रकार से फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेर शाह फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। तो चार पुरस्कार आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 18वें स्वर्गीय माधव राय लिमय पुरस्कार से किसे नवाजा गया? माधव राय लिमय पुरस्कार उस किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जो कि समाज में कोई अच्छा कार्य करता है। तो ये इस साल दिया गया है पॉलिटिशियन नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा किस लघु फिल्म यानी कि किस शॉर्ट्स फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट स्ट्रीट लघु फिल्म को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जो कि एक तेलुगु भाषा की लघु फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नामांकित किया गया है? दुनिया भर में खेल जगत में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं लॉरियंस वर्ल्ड पुरस्कार। इसमें से जो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड है इसके लिए भारत से नॉमिनेट किया गया है भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? जो TX2 पुरस्कार ये इस साल दिया गया है भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ये जो पुरस्कार है उस किसी भी टाइगर रिजर्व यानी कि उस किसी भी टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जो कि अपने यहाँ बाघों की संख्या को एक पर्टिकुलर टाइम में दो गुना कर देता है। जो सत्यम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसने 2010 से लेकर अब तक की अपने यहाँ बाघों की संख्या को दो गुना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। पेटा जिसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि एक जानवरों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक एनजीओ है। अगला क्वेश्चन है,
टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया, तो इसका राइट आंसर है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका की एक जिमनास्ट हैं, इन्होंने ओलंपिक में 4 बार पदक जीता है। इसी प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है एलन मस्क को। एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स तथा टेस्ला कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है भारत की हरनाज संधु ने, जो कि चंडीगढ़ राज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, रामानुजन पुरस्कार 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो इसका राइट आंसर है नीना गुप्ता। जो रामानुजन पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूटान देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नगदक पेलगी खेरलो से किसे सम्मानित किया गया है, तो भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खेरलो से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो भूटान देश है ये भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है थिम्पू, यहाँ की भाषा है जोडखा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और यहाँ की मुद्रा है डोल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इस साल दिया गया है दामोदर मावजो को। दामोदर मावजो जो कि एक कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इसी प्रकार से 2020 का भी इस साल पुरस्कार दिया गया है। 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है नीनमणि फुकन जूनियर को, जो कि असमिया भाषा के एक साहित्यकार हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1961 में होती है, जो कि भारतीय लेखकों को दिया जाता है और ये भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है इसको लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर भारत का घोषित किया गया है। ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, और इन्हीं पुरस्कारों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो कि गंगा के किनारे स्थित है, तो स्वच्छ शहर गंगा किनारे स्थित वाराणसी शहर को पुरस्कृत किया गया है, और भारत का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है गुजरात का सूरत। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीत लिया है, तो बुकर पुरस्कार 2021 जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये इस साल जीत लिया है डेमन गलगुट ने। डेमन गलगुट जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के एक नाटककार उपन्यासकार हैं, इनको ये पुरस्कार इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड डायोप को, जो कि फ्रांस देश के हैं, इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज आउट के लिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोप को, जबकि बुकर पुरस्कार दिया गया है डेमन गलगुट को। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी महत्वपूर्ण 2022 के पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स थे उनको कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।